कंटिन्यू रखो ऐसे ही। चलो किसी स्टार्ट करो यार। आज है नेक्स्ट डे। करना मेरी एक्टिंग। आज है नेक्स्ट डे। ऐसे नहीं। आज है फर्स्ट डे जिम का, तो मैं जिम जा रही हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं दिन की जिम के थ्रू। तो पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए आज के दिन का, मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए मैं आज जिम जा रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज शुरुआत हो रही है व्लॉग की मेरे जिम जाने से। हाँ गाइस, फाइनली आज मैं जिम जा रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ना अब मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, वो मुझे फील होने लगा है कि हाँ मेरा मोटापा बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब फाइनली जिम ज्वाइन किया जाए और रोज़ वर्कआउट शुरू किया जाए, सो दैट थोड़ा फिट लगूँ, फाइन लगूँ और ख़ुद को भी अच्छा फील हो। वर्कआउट करना सच में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ तो मैं कह रही थी वर्कआउट करना सच में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो अलग बात है कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने वर्कआउट किया नहीं है। मतलब मैं ना शादी के पहले, मतलब मैं रोज़ वर्कआउट करती थी। मतलब अब शादी को मेरे 2 साल हो गए, तो फिर मैं 2 साल से ना वर्कआउट करना छोड़ दिया। मतलब पता नहीं क्यों, बस हाँ ऐसी, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत था करने के लिए, बट मैं बस मूड नहीं हो रहा था तो मैं नहीं करी थी। बट फाइनली अब यहाँ पर मेरे पास बहुत टाइम है यूके में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। गाइस मैंने एंकी को अपसेट कर दिया क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था एंकी ने मुझे और मैं 10:30 कर दिया, क्योंकि मुझे ये कट करना था और छोटे छोटे और भी काम थे, तो मैं निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया। तो एंकी थोड़ा अच्छा जी मुझसे गुस्सा हो गया। ओमा गुस्सा तुम। तो नाश्पाती खाना भी ज़रूरी था, जिम के पहले कोई फ्रूट खाना ज़रूरी है और जिम के बाद हम जूस पियेंगे या फ्रूट खाएंगे फिर से। डन, पहले जिम चलो यार, तुम लेट कर देती हो हर बार। चल तो रही हूँ। आज मौसम अच्छा है ना जी? मेरे को बड़ा अच्छा, बहुत कड़क धूप भी नहीं है और बादल भी नहीं है, मतलब हाँ। अच्छा है और वार्म है, आज हवा नहीं चल रही ना, वार्म है आज, अच्छा सा लग रहा है पूरा। हाँ। मौसम ऐसा, और ये बिना, ये अच्छा किया तुमने जैकेट कैरी कर रही हो, नहीं तो बिना इसके आती ना, समझता तुमको हवा। एक्साइटेड हूँ जिम करने के लिए, मैं 2 साल बाद जिम करने वाली हूँ कि पता, मैंने अपने बॉस को बताया। 2 साल बाद, शादी के बाद अभी स्टार्ट कर रही हूँ, आज का दिन मेरा पहला दिन है जिम का। मजा आने वाला है, हाथ पैर में दर्द होने वाला है। वही मैं कह रहा हूं, जिम के बाद कहीं तो भाई चार लेग एकदम से ऐसे अजीब सी लगा। लेग्स लेग्स करोगी? शिट, मैं बैग ही लाना भूल गया अपना। एंकी, मैं पहले इन्हें बता दूं, गाइस हम जिम आए हैं और फॉर अ चेंज, मतलब एंकी से ऐसे कभी गलती होती नहीं है, बट फॉर अ चेंज एंकी अपना जिम बैग भूल चुका है। मैं तो एंकी पे डिपेंड थी कि एंकी सब कैरी करेगा, पानी का बॉटल, बैंड्स वगैरह जो भी होता है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है जिम में। पर एंकी ऐसे आए जैसे वॉक करने के लिए आए हुए हैं। पता है मेरे को कैसे याद आया, मैंने कहा जिम में म्यूजिक क्या सुनेंगे, मैंने कहा हैंड्स फ्री, मैंने कहा हेडफोन का है, हेडफोन बैग में, फिर उसके बाद आया पानी की बॉटल, मैंने वो भी बैग में, मैंने कहा स्क्वाट्स के लिए बैंड, वो भी बैग में, मैंने कहा यार बैग भूल गया। आज हम, क्योंकि हम थोड़ा गुस्से में था ना एंकी मुझसे, मतलब 10 बजे का टाइम दिया था, 10:30 कर लिया मैंने, तो मुझसे थोड़ा गुस्सा हो रखा था, इसीलिए बोलते हैं कि गुस्सा मत हुआ करो, है ना? हाँ, तुम टाइम पे रेडी हुआ करो। अभी तो 3 में चल करूंगी धीरे धीरे। तुम मेरे को वर्कआउट कराओगे ना? मेरा ट्रेनर, मेरा आपकी एंकी, बाय। कार्डियो कर लेती हूँ और अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मैं एंकी से ही बोलूँगी कि मेरे को वर्कआउट करवा लो, और फिलहाल मैं 15-20 मिनट कार्डियो कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। Thank you.
वन के जी वन मो एक और एक और एक और एक और एक और एक और वेल डन ओहो एक और वेल डन जी कितने सेट्स हो गए दो उसी वेट से कर रही हो एक बढ़ाओ ना हाँ टू पे करो वेल डन चलो मुझे 10 सेट अभी तो थोड़ा ही हाफ एन आवर मतलब आधा ही जिम हुआ है 50% बट हालत खराब हो गई है चलो साइड वेट कर रहा दोबारा थर्ड सेट बट मजा आ रहा है काफी टाइम बाद जिम कर रही हूँ तो मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही है कर रहे हम यहाँ पर अब हाँ केजी थक गई क्या हाँ चलो जल्दी एक सेट और करो यार मजा आएगा मजा तो मुझे आ रहा है मैं करूंगी अरे एक सेट और एक कोर का एक सेट और मजा आ जाएगा 30 सेकंड्स बस ज्यादा ही 30 सेकंड्स ज्यादा करोगी क्या 30 सेकंड्स से पता नहीं आएंगे भी तो पीठ की टाइमर लगा देती हूं हां स्टार्ट एकदम गो बहुत बढ़िया थोड़ा सा हां मेंटेन करो हां देखना नहीं है टाइम देखते रहो कितना बचा है ठीक है वेरी वेल डन कीप गोइंग ये मैं आज तो सिर्फ देखने आया था केजी कि क्या हो रहा है यहाँ कैसा जिम है क्या है फैसिलिटीज है अब क्या अपने को आइडिया लग गया ना कल से क्या करेंगे पहले से प्लान ना क्या करेंगे आज हमें ये करना है आज हमें वो करना है ओके उसमें ज़्यादा अच्छा होता है काम सो गाइस आज के लिए तो हमारा जिम हो चुका है वैसे मुझे बहुत मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा मतलब पता है क्या होता है बस एक बार जिम हिट करने की ज़रूरत होती है मतलब हम प्लान तो कर लेते हैं कि हाँ हमें जिम जाना है बट जब तक हम जिम पहुँचते नहीं है करते नहीं है ना तब तक वो मज़ा नहीं आता तो जैसे मैं आज आई हूँ तो अब मुझे मज़ा आ रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ आऊँगी अदरवाइज़ जब तक मैं नहीं आई थी ना तब तक मुझे बस ऐसे हो रहा था हाँ अब जाऊँगी कल से जाऊँगी और वो कल कभी आता ही नहीं था बट फाइनली हाँ फाइनली आज वो कल आ गया क्या कह रहे हो पहला दिन ही सबसे टफ होता है हम लोगों के लिए कि पहला दिन एक बार पहुंच जाओ ना जिम फिर उसके बाद मन लगने लगता है हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है मतलब आज तो 1 hour 30 minutes आई थिंक 1.5 घंटे में ही हमारा हो गया था बट कल से मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा और जल्दी आऊं और थोड़ा और अच्छे से वर्कआउट करूं मतलब इंटेंसिटी के साथ अभी तो आज तो मेरा फर्स्ट डे ही था कोई बात नहीं धीरे धीरे मैं अच्छा और अच्छा वर्कआउट करूँगी अब मुझे वर्कआउट करने में इंटरेस्ट आने लगा है जैसे पहले आता था तो यस तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे फाइनली और हमारा वर्कआउट आज के लिए यहीं ख़त्म हो चुका है एंकी कर रहा है अपना स्ट्रेचिंग अभी मेरी स्ट्रेचिंग बची हुई है तो देखती हूँ स्ट्रेचिंग में एंकी मेरे को क्या कर पाता है थोड़ी थोड़ी करेंगे यही सब चीज़ें एग्जैक्टली चलो आ जाओ छोड़ो रिकॉर्डिंग स्ट्रेचिंग में ना हालत खराब हो रही है एंकी मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है स्ट्रेच थोड़ा करो अच्छा रहेगा अगले सेशंस के लिए रेडी रहो ऐसे हो रहा है ना हाँ उस वाले पैर को थोड़ा पीछे करो हाँ ये परफेक्ट हाँ ऐसे टच कर होल्ड रखो इसी पे 10 तक काउंट करो 9 10 बहुत बढ़िया इसी के साथ आज का सेशन होता डन गिव मी हाफ आई डन तो आज का हमारा पहला टास्क कंप्लीट हम दोनों ने जिम तक पहुंचे और कर लिए मुझे तो लगा था कि बड़ा मजा आ गया बहुत ही ज्यादा मजा आया यार केजी अच्छा लगा आज सही में बॉडी अच्छी सी फील कर रही है एंकी का तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है वर्कआउट मॉर्निंग में रनिंग और फिर उसके बाद जिम उसके बाद क्या प्रैक्टिस हाँ धूप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रखी है इस टाइम पे कि मेरी आंखें बंद हो रही है आंखें नहीं खुल रही है स्क्रीन में ही नहीं देखा जा रहा है मेरी भी एकदम से आंखें ऐसे हो रही है और बस थोड़ा सा ठंडा है नहीं तो गर्मी तो वैसी लग रही है मेरे को है ना हाँ अभी तो फिलहाल हमें गर्म फील हो रहा है क्योंकि अभी वर्कआउट करके जस्ट आए ही हैं बाहर ही निकले हैं अभी तो शेप में आना है अभी बहुत हार्ड वर्क करना है आ जाएंगे चलो फिर चलते हैं चलो घर जाके अभी लंच भी बनाना है और क्या करोगे एंकी लंच पुलाव बनाते हैं मैं बनाता हूँ आज क्या बोलती हूँ नहीं मैं बना दूँ अरे मैं बनाता हूँ मेरे को करना यू टेक रेस्ट अरे यू टेक रेस्ट बना
हो चुका है और अभी देखती हूँ क्या करना है। मोस्टली गाइज मैं जाकर ना सोच रही हूँ अपने लिए एक सिम लेकर आती हूँ, क्योंकि ये जो सिम मैं यूज़ कर रही थी वो 1 मंथ के लिए ही वैलिड था। हाँ जी, 1 मंथ हो चुका है हमें यूके में, तो 1 मंथ कल तक वैलिड है मेरा सिम। बट मैं सोच रही हूँ कल डीएक्टिवेट होने से पहले क्यों ना जाकर अपने लिए एक अच्छा सा सिम लेकर आती हूँ, और फिर उसके बाद होपफुली मैं सो जाऊँगी। कौन कौन से सिम लाए हैं, क्या लाए हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको एंकी ही दे सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा नॉलेज है इन सब चीज़ों का। तो एंकी बताओ कौन सा सिम लेके आए हैं हम लोग लेके आए हैं गिफ्ट गाफ का सिम, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा वो है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब जो प्लान है वो कौन बहुत सा है ये गिफ्ट गाफ। गिफ्ट गाफ है तो इसके में अपने को जो सबसे ज़रूरी होता है कि इसमें इंटरनेट बहुत अच्छा मिलता है, लाइक इन 20 quid यू विल गेट 100 GB, तो वो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। मैं इसमें कर दिया सिम, सिम इंसर्ट कर दिया है, मैं इसको बस कर रहा हूँ वो क्या कहते हैं एक्टिव कर एक्टिवेट कर रहा हूँ सिम को। मैंने पता है इसीलिए पूछा था कि आप में से कभी कोई यूके आए ना तो ये कौन से सिम अच्छे हैं कौन से नहीं है, क्योंकि अभी हम जहाँ सिम लेने गए थे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे सिम के, बहुत सारे, लाइक लिटरली हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो मैंने अपने लिए लिया है 25 GB फॉर £15, और एंकी के लिए हमने लिया है 80 GB फॉर £20, 80 GB का लिया। और एक अच्छे से नैप के बाद मुझे मिला एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़। हाँ जी, वो सरप्राइज़ ये है कि बहुत ही अच्छा सा वेदर हो रखा था। बस जैसे मैंने आपको बताया अभी फ़िलहाल यहाँ हो रही है बारिश, और मैं सोच रही हूँ गरम गरम अदरक वाली चाय बनाकर पी लेती हूँ, तो बारिश में काफ़ी मज़ा आता है ना अदरक वाली चाय पीने का। या फिर एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक हॉट चॉकलेट कॉफ़ी बना के भी पी सकती हूँ। और थर्ड माइंड मेरा ये भी चल रहा है कि अभी बस एंकी एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं, तो वो भी आएंगे 1-1.5 घंटे में आ ही जाएंगे, तो वेट कर लेती हूँ उनके साथ बैठ के, चाय कॉफ़ी जो भी है वहाँ उस टाइम इंजॉय कर लूँगी। कल शायद मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, और ना अभी फ़िलहाल मेरा किचन बड़ा थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखा है, क्योंकि दिन में लंच के बाद हम मतलब लंच बनाया, लंच किया, और उसके बाद हम फिर वो सिम वाले काम के लिए चले गए, उसके बाद आने के बाद मैं सो गई, तो थोड़ा सा किचन मेरा मेस्ड अप है, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ और फिर डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, तब तक एंकी भी आ जाएंगे। अपडेट ये है कि मैंने कर लिए हैं अपने डिशेस क्लीन, यहाँ पर मैंने पूरी सफाई कर दी है, और बन रही है मेरी चाय। ये जो दिख रहा है ये टी बैग्स हैं, और एंकी आ चुके हैं घर। हेलो, मेरी हो गई प्रैक्टिस खत्म, और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा बाहर, तो बस सब बारिश और चाय ना मिले तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, चाय तो बनती है। एग्जैक्टली, चाय तो बनती है, तो बस अभी हम चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होगा। Guys, आज क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं, आज हम खुद को ट्रीट दे रहे हैं ना एक दूसरे को। So hey people, what's up? हम आ गए हैं बाहर, और बाहर क्यों आए हैं हम एंकी? क्योंकि हम आज एक दूसरे को ट्रीट दे रहे हैं खाने की। नहीं, एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, बट आज हम हमें ट्रीट दे रहे हैं। एक्चुअली आज हमने फर्स्ट डे जिम ज्वाइन किया ना, आज हमारा फर्स्ट डे था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज ही के दिन से चीट डे भी स्टार्ट कर दिया जाए। नहीं, हम लोग प्लान करते हैं हफ्ते में एक दिन हम बाहर जाके खाना खाएं, एक यहाँ पर बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाएं कुछ खा के आएं, और अच्छा है, मज़ा आता है केजी के साथ बाहर जाने में। हाँ, और आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था वैसे भी। हम डाइट वाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, हम सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं फुल इंटेंसिटी के साथ, और फुल पैशन के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, बट डाइट वाइट फॉलो नहीं करने वाले हैं। जो भी मन में आएगा वो खाएंगे, पियेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये पेड़, पूरा रेड रेड कलर हो रखा है। गाइस देखिए ये पेड़ की पत्तियां कितनी अच्छी हो रखी है, रेड रेड रेडिश कलर की, और ऊपर से उसमें धूप पड़ रही है। और बाय द वे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, और अब देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी धूप आ रही है। चले चलो, हाँ हम इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो हम इंडियन फूड ही खाने वाले हैं। और हमारा ये भी है ना कि हम लोग हर वीक में एक दिन तो बाहर जाते हैं खाना खाने, और यहाँ पे खास तौर पे आते हैं रोज रोज घर का खाना खा के थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं ठीक है आज बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। और अच्छा भी है ना, एक आध बार बाहर ऐसे खाना खाने और आराम से बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, क्यूट लग रही है। हाँ,
तो चलिए मिलते हैं डिनर टेबल पे आपसे। पता है तुम ना थोड़े सरदार टाइप लग रहे हो क्योंकि तुम्हारी ये दाढ़ी वाड़ी और ये मूंछें मुझे बढ़ गई है ना। आज मूंछें भी थोड़ी सी ऐसी करके आया हूं वाइड वाली पहली भी। थोड़े सरदार वाली लुक आ रही है। बाजी की हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। सब चंगा सी का? चंगा सी। फिर मित्रा किदा? उस दिन हरप्रीत ने भी तुम्हें कुछ ऐसी लिखा था ना पंजाबी में। हां बट सुनो ना। हां कुछ नहीं। अच्छा वो ब्रिज तो दिखा दो जो तुम बता रही थी मुझे, इंडिया का जो आइकॉनिक ब्रिज है जो ये ना फोटो लगा है। ये वाली ब्रिज मैं इसकी बात कर रही थी, पता नहीं है गाइस ये वीडियो में आप लोगों को ठीक से दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट ये देखिए ये जो ब्रिज बनी है ना ये देखिए, ये इंडिया का बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप इस ब्रिज को पहचान गए। और मैं आपको हिंट देता हूँ, ये हमारे बंगाल से है। बंगाल बंगाल बंगाली आ है। ये जो ब्रिज है ये मिरर में डिजाइन बना हुआ है। ये ऐसे वीडियो में ना ऐसे भी लग सकता है कि वो बाहर मतलब एक्चुअली वो ब्रिज है। हाँ। बट ये हमारे क्योंकि ये इंडियन रेस्टोरेंट है इसलिए इस मिरर में कोलकाता के ब्रिज और कुछ और भी सीन्स और ये सब बना हुआ है। मैं सोचा मैं ये क्लियर कर दूँ सो दैट वो कंफ्यूजिंग ना लगे। बट लग एकदम वैसे ही रहा है जैसे कुछ ऊपर बना हुआ है वहाँ पर ब्रिज ही और ओरिजिनल ब्रिज है। डिनर हमारा हो चुका है। कैसा लगा? मजा आया ना आज? बिरयानी यार सही में यहाँ की बहुत टेस्टी है यार, बहुत मजा आता है। स्पाइसी बिरयानी है तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। यहाँ मतलब आके थोड़ा ऐसा लगता है कि 90% इंडिया में। हाँ इंडिया वाली फील आती है यहाँ। हम जब जब इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ आते हैं और खाना स्पेशली बिरयानी इसीलिए पसंद है हमें क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी होती है और हम और स्पाइसी करने बोलते हैं, मतलब उन्हें बोल देते हैं एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और एकदम ही इंडिया वाली फील आती है। हाँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 9 बजे होंगे, 9:30 हो गए, 9:30 हो गए गाइस। और अभी भी देखिए आप उजाला कितना सारा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7-8 बजते ना इंडिया में अपन 7 बजे बैठे होते हैं बाहर, वैसा लग रहा है। टी शर्ट ठीक कर दो हो गई। और बस देखिए ये है उजाला यहाँ पर। और बस गाइस अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स होम, घर की तरफ जाते हैं और कुछ नहीं अब तो बस रेस्ट करेंगे सोएंगे। फिर से मेरी फेवरेट चीज मत बोला करो तुम। क्या? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स यार हमने पता है सारी सीरीजें देखने में लगे हुए हैं हम दोनों ने वो भी देख लिया, साउथ भी देख रहे हैं, इंडिया वो हिंदी तो देखते देखते साउथ की भी मूवीज देख रहे हैं और इंग्लिश भी एक दो सीरीज हमने चला रखी है साइड में। तो अभी हम जाके नेटफ्लिक्स देखेंगे और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको कोई अच्छी सीरीज लगती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई कौन सी हम सीरीज देख सकते हैं, हम कौन सी देख सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं आप, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड ये वो जो भी वुड है सारे आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक सब्सक्राइब क्योंकि उससे कीर्ति को मोटिवेशन मिलता है। exactly. तो आप उसको कमेंट करिए, उसको शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।